नोबेल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मुझे मौका दिया बस्ती दवाखाने के लिए। सबसे पहले मैं हुकूमत को मुबारकबाद ही देना चाहता हूं। जो बस्ती दवाखाना जो हुकूमत ने चालू किया है वो बेहतरीन चीज़ है, समझिए। हर कारपोरेटर डिवीज़न के अंदर दो दवाखाने लगाने के लिए कहा गया था, काफ़ी जगह पे चालू हो गए सर, और काफ़ी जगह पे चालू होना है, जिसमें 259 हॉस्पिटल चालू हो गए सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से सीधा सवाल, 259 हॉस्पिटल में क्या पूरे डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है? उसके अंदर नर्सिंग स्टाफ है या नहीं है? क्या मेडिसिन 259 हॉस्पिटल में फुल मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा और जो बाकी 91 आप जो बता रहे हैं वो कब चालू करेंगे आप, उसके लिए भी अगर मिनिस्टर साहब रोशनी डाले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मेरा आपसे के जरिए से मिनिस्टर साहब से ये कहना है, जो डॉक्टर्स है अगर वो डॉक्टर्स को परमानेंट कर देंगे, नर्सेस को परमानेंट कर देंगे तो बेहतर रहेगा सर। कई हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है सर, और कई हॉस्पिटल्स के अंदर फर्नीचर बराबर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मेरी मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश है कि ये सबको अपग्रेड कर दीजिए। और उसके साथ साथ सर मेडिसिन जो है वो पूरे का पूरा देना सर, जैसा बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये सब तो कॉमन डिसीज है ना सर, इसको भी मेडिसिन देना जरूरी है। और कोई पेशेंट अगर सीरियस रहा तो उसको फौरी गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को रवाना करने के लिए भी कुछ सुविधा रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।